नहीं माना, फिर भी ना पूरी हो पाई। तो जब मोहम्मद साहब भी चले गए तो अब भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर पहचान कराने के लिए आए। साल 999 मास हुए रसूल को जब, रूह अल्लाह मिसल गाजिए मोमिन उतरे अब, तब फिर से स्वरूप में आना पड़ा। किस स्वरूप में? श्यामा जी को श्री देवचंद्र जी महाराज के रूप में। मारवाड़ देश में 1638 के वर्ष में उन्हें संसार में प्रकट होना पड़ा, उस परमात्मा की इस दुनिया को खबर देने के लिए। और उन सदगुरु गणेश श्री देवचंद्र जी महाराज ने, महाराज उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को इस पृथ्वी पर अवतरित किया। 40 वर्षों तक घोर तप किया, कसनी की, इंद्रियों को कसनियों पर उतार करके सेवा समर्पण की भावना से इस संसार में महम वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण श्री राज्य महाराज धाम धनी को प्रकट किया। महाराज सब इतना करना पड़ा किस लिए? वो इसलिए क्योंकि परमात्मा ने मन में इस संसार को अखंड करने की जो ठान ली। जब तक उस परमात्मा की पहचान दुनिया को होगी नहीं, तब तक वो उसके रास्ते पर जाएंगे कैसे? और जब तक जाएंगे नहीं, तब तक मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? दुनिया को अखंड मुक्ति देने के लिए फिर इसी संसार में स्वयं हक्की स्वरूप महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज प्रकट हुए। किस रूप में? साक्षात हक्की स्वरूप में, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में, जिसके लिए प्रमाणित होकर के धाम धनी ने अपने मुखारविंद से वाणी में कह दिया कि श्री इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग। जो कोई प्रेम करे इंद्रावती को, ताए प्रेम रमाडू रंग। जो संग करे इंद्रावती को, ताए प्रेम रमाडू रंग। जो इंद्रावती का संग भी करेगा तो उसको भी धामधनी क्या कहते हैं, उसको भी मैं जो ब्रह्मात्माओं को प्रेम से रमाता हूं उसको भी वैसे ही रमाऊंगा। जो इंद्रावती का संग मात्र करेगी, वो ब्रह्मप्रिया हो या ना हो, वो परम धाम के 12,000 में से हो या ना हो, यदि उसने इंद्रावती का संग किया या इंद्रावती की वाणी का संग किया या इंद्रावती के वचनों का पालन किया, तो उसको भी वो परम धाम दर्शन होगा और उसमें उसको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो के स्वामी जी ने उसी बात को सत्यता जाहिर करते हुए कहा कि क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करूं अखंड, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया दोनों देऊं जगाए। संसार में सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्रदान करने के लिए इसमें धाम धनी प्रकट हुए। लेकिन विडंबना, प्रणाधार सुंदर साहब जी हम तो समझ गए, लेकिन दुनिया आज भी उस परमात्मा को नेति नेति अगम निगम कह कह करके गा रही है। कारण है सबसे पहले वो वेद, वो शास्त्र जिनमें उनकी साखी लिखकर की भेज दी गई, लेकिन दुनिया समझ नहीं पाई। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने विचार किया, जब स्वयं साक्षात परमात्मा संसार में आए और गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर जाकर के उनकी पहचान करानी चाहिए और फिर भी दुनिया मानने को तैयार नहीं, तो फिर विचार किया गया कि आखिर क्यों, आखिर कारण क्या है कि जो दुनिया उस परमात्मा को पहचानना नहीं चाहती। दुनिया के हर एक ग्रंथ में, शास्त्र में, पुराण में उस परमात्मा की साक्षी लिखी हुई है, लेकिन फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं। तो कारण था वेदों की, शास्त्रों की भाषा। वेद शास्त्रों में जो परमात्मा का ज्ञान था
वो एक ऐसी भाषा में अवतरित हुआ था कि जिसको हर कोई समझ नहीं सकता था। कलयुग में उम्र सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, थोड़ा बहुत ज्ञान भी सबके पास है, लेकिन शास्त्रों की बातों को समझने का ज्ञान किसी के पास नहीं। इसीलिए तो वेदव्यास जी महाराज ने भी जब शास्त्रों की रचना की तब उन्होंने यही तो किया। वो एक वेद से भी संतुष्ट हो सकते थे, लेकिन क्यों 17 पुराण लिख डाले, 18वीं श्रीमद् भागवत लिख डाली, 108 उपनिषद लिख डाले, 6 शास्त्र लिख डाले, महाभारत लिख डाला, एक वेद के 4 भाग कर डाले? क्यों? कि कलयुग में जो मानव है वो उस परमात्मा को पहचान सके। परमात्मा की पहचान तो थी लेकिन कोई जान ना पाया। वेदव्यास जी महाराज का इतना प्रयास भी विफल हो गया। स्वामी श्री प्रारणा जी महाराज ने एक एक शास्त्र को उठा करके देखा, उसमें परमात्मा की पहचान तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखी है, लेकिन महाराज जो दुनिया है, जो जीव है, जो मानव है, वो उस स्पष्टीकरण को समझ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि भाषा कुछ गूढ़ है, भाषा कुछ टेढ़ी मेढ़ी है, भाषा कुछ संशय वाली है। इसीलिए स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज के चिंतन ने कह दिया कि संस्कृत संशय की खान। जिस परमात्मा की पहचान संस्कृत में, वेदों में, शास्त्रों में लिखी हुई है, ये भाषा जो है, ये संस्कृत जो है, संशय की खान है। इसमें परमात्मा की पहचान तो है लेकिन संशय है। संशय कैसा? कि संस्कृत कहती कुछ है, उसका अर्थ कुछ और होता। इसीलिए स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कह दिया संस्कृत संशय की खान। अब सबकी सुगम जान के मैं कहूंगी हिंदुस्तान। महामती स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज जो हक्के स्वरूप है, क्या वो संस्कृत में वाणी को नहीं अवतरित कर सकते थे? क्या वो इस ब्रह्म ज्ञान को संस्कृत में नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन प्राणाधार सुंदर साह जी, हम आप सबके रास्ते को सुगम बनाने के लिए उन परमात्मा ने इस वाणी को बिल्कुल सीधी सरल भाषा में लाकर अवतरित कर दिया। वाणी को पहले अवतरित किया गुजराती भाषा में, लेकिन उन्होंने स्वयं गुजराती होने के बावजूद भी, अपना जन्म गुजरात में होने के बावजूद भी, मातृभाषा गुजराती होने के बावजूद भी, उस गुजराती भाषा को भी आगे जाकर के रद्द कर दिया और उसको भी हिंदी भाषा, वो भी शुद्ध सनातन हिंदू भाषा में डाल दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि गुजराती में भी कोई पंगा पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गुजराती में भी ये फिर झंझट पड़ जाए, उस परमात्मा को ना पहचाना जाए। तो उसी उन्होंने रास प्रकाश को लिखा, लेकिन फिर उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया। क्यों? क्योंकि सबके लिए वो परमात्मा सुगम बन जाए। इसीलिए उन्होंने कह दिया सबको सुगम जान के, सारी दुनिया के लिए जो रास्ता सुगम हो, सारी दुनिया के लिए जो भाषा सुगम हो, सरल हो, उसमें कहूँगी हिंदुस्तान। उस परमात्मा की पहचान मैं हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी भाषा में कहूँगी, क्योंकि संस्कृत संशय की खान है। जो सब कुछ वाणी में है, क्या वो शास्त्रों में नहीं है? बोलो, है कि नहीं? कृष्ण कन्हैया लाल की है। तभी तो स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज ने इसका नाम कुछ और नहीं दिया, इस ग्रंथ का नाम, अपने स्वरूप का नाम। इसीलिए महामती स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने कुलजम रख दिया। कुलजम यानी कि जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है और आज तक जितने भी धर्म ग्रंथ हुए हैं, जितने भी शास्त्र उपनिषद हुए हैं, जितने भी संत महात्माओं की वाणी हुई है, उन सबका जमा इसके अंदर है। इसीलिए महामती स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने इसका नाम कुलजम रख दिया। और ये दुनिया के शास्त्र से, धर्म ग्रंथों से अलग नहीं है, 1% भी अलग नहीं है। सारा कुछ इसमें यदि है तो शास्त्रों का, पुराणों का निचोड़ इसके अंदर है। वो क्यों रख दिया? क्यों वही ज्ञान को इसमें ला करके रख दिया? क्योंकि महाराज वो ज्ञान समझ में नहीं आता था और ये ज्ञान समझ में आ जाता है। वो संस्कृत संशय की खान थी। इसलिए कैसे थी संस्कृत संशय की खान, बताओ कैसे थी? कृष्ण कन्हैया लाल की जैसे कि श्लोक है, युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता
सहदेवेन पूजिता सा कन्या वरदायिनी। बोलो मास्टर जी क्या अर्थ होगा? युधिष्ठिरस्य या कन्या? सीधा अर्थ बता देता हूं, युधिष्ठिर की कन्या। संख्या तो मन में अभी चल गई होंगी, युधिष्ठिर की कन्या कहां से आती है? चलो कन्या हो भी गई तो महाराज आगे बोलो, नकुलेन विवाहिता, नकुल के साथ उसकी शादी हुई है। ले भाई कर दिया बेटा पार। उसके बाद और सहदेवेन पूजिता, सहदेव के साथ में पूजा की गई, सा कन्या वरदायिनी, वो कन्या हमारे लिए वरदायिनी। बोलो संस्कृत कह रही है इस बात को, क्या बात सही है? गर्दन हिला के ऐसे करके कुछ जवाब तो दो, क्या बात है, सही है बात है? नकुलेन विवाह युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता सहदेवेन पूजिता सा कन्या वरदायिनी, क्या बात सही है? नहीं ना, युधिष्ठिर की तो पहली बात कन्या नहीं, और महाराज यदि कन्या हो भी तो नकुल तो चाचा जी लगते हैं, चाचा के साथ विवाह हो नहीं सकता। फिर युगल दंपत्ति बनाकर सहदेव ने पूजा की, सहदेव पूजा कर नहीं सकता और वो कन्या वरदायिनी हो नहीं सकती। लेकिन महाराज शास्त्र कहते हैं हुआ है, युधिष्ठिर की कन्या भी है, नकुल के साथ विवाह भी हुआ है, सहदेव ने पूजा भी की है और वो कन्या दुनिया वालों के लिए वरदायिनी भी है। अब बोलो बात, मैं ठीक हूँ या शास्त्र ठीक है? हम आप ठीक हैं या शास्त्र सही है? बात तो महाराज सही है, युधिष्ठिर ही है, कन्या भी है, नकुल के साथ विवाह भी हुआ है, बस समझने का फर्क है। यही तो है संस्कृत, संस्कृत संशय की खान। महाराज ये संस्कृत, युधिष्ठिर का मतलब वो युधिष्ठिर नहीं, वो पांडव युधिष्ठिर नहीं, युधिष्ठिर मतलब पर्वत, हिमालय पर्वत। युधिष्ठिर का पर्यायवाची क्या होता है? आप लोग बहुत मास्टर बैठे हैं, क्या होता है पर्यायवाची? युधिष्ठिर का पर्यायवाची युधिष्ठिर मतलब कठोर वज्र, हिमालय वज्र किसको कहा जाता है? पर्वत को। तो उसके लिए एक पर्यायवाची शब्द निकालो, उसमें से पर्यायवाची किया जाएगा पहले तो। युधिष्ठिर मतलब हिमालय, युधिष्ठिर से या कन्या यानी हिमालय की पुत्री नकुलेन विवाहिता। अब महाराज युधिष्ठिर की पुत्री तो थी पार्वती, लेकिन नकुल के साथ तो उसका विवाह नहीं हुआ था। अब महाराज यहाँ पर संधि विच्छेद किया जाएगा, न कुल, जिसका कोई कुल ना हो उसको क्या कहा जाता है? तो जिसका कोई कुल ना हो शास्त्रों में उसे शंकर भगवान कहा गया है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो नकुलेन विवाहिता जो युधिष्ठिर यानी कि हिमालय पर्वत की पुत्री है, जिसका नाम पार्वती है, उसका विवाह हुआ नकुल के साथ, न कुल, जिसका कोई कुल नहीं यानी कि शंकर भगवान सहदेवेन पूजिता। और वो सहदेव वो पांडवों का भाई सहदेव नहीं, सहदेव, यहां भी संधि विच्छेद का उपयोग किया जाएगा। सह जमा देव, सह माने साथ, देव माने देवता, सहदेव यानी सब देवताओं ने मिलकर के उस कन्या की आरती की, सा कन्या वरदायिनी, वो कन्या हमारे लिए वरदायिनी हो। कौन कन्या? जो युधिष्ठिर यानी कि हिमालय की पुत्री है, भगवान भोलेनाथ के साथ जिसका विवाह हुआ है, सब देवताओं ने मिलकर जिसकी पूजा की है, वो कन्या माता पार्वती हमारे लिए वरदायिनी है, ये शास्त्र कहते हैं। लेकिन महाराज यदि इसको सीधा सीधा समझा जाए तो क्या समझ पाएंगे? महामति श्री प्रणनाथ जी महाराज के प्रकट होने की बात भागवत में पहले लिख दी गई, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, वो बुद्धनिष्ठ कल की अवतार इस संसार में प्रकट होगा, लेकिन किस रूप में, कहाँ होगा? तो कहा संभल ग्राम मुख्यस्य, संभल यानी के संभल लगा लो, तो सारी दुनिया ने मुरादाबाद के पास जो संभल था वहां पर जाकर के चिंता गाड़ दिया महाराज। और तो और संभल गांव के ऊपर कल्कि मंदिर भी बन गए, दुनिया ने पैसा कमाना भी शुरू कर दिया। अभी एक विजय महाराज पकड़ा गया ना कर्नाटक में, कितने 500 हजार करोड़ वो कल्कि भगवान बना बैठा था महाराज, विडंबना संस्कृत की। दुनिया को आज तक
उसकी पहचान ना हो सके, दुनिया अपने आप को कल की बना बना करके बैठ गई, क्योंकि कल की का अवतार इंतजार करते करते दुनिया के समय बीत गए, लेकिन उनको पता ही नहीं कि कल की आके जा भी चुके हैं। क्योंकि भागवत ने एक उलझन डाल दी, क्या संभल ग्राम मुख्य से, कि वो कल की भगवान संभल गांव में प्रकट होगा, मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, और जन्म से ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा और जन्म से ही महात्मा होगा, ऐसा होगा। अब हमारा सारी दुनिया कल की भगवान के आने की नजर संभल पे टिकाए बैठी है, लेकिन महामती प्राणनाथ जी महाराज ने उसका स्पष्टीकरण किया महाराज हिंदी भाषा में ला करके, कि वो तो आ चुका है, वो संभल नहीं, संभल का मतलब होता है समूह, इंद्रियों का समूह, उन समूह में आएगा, लेकिन इंद्रियों का समूह तो महाराज 84 लाख प्रकार की योनियों में है, तो इसीलिए मुख्यस्य लगा दिया। इंद्रियों का जो मुख्य समूह है, मुख्य समूह किसको माना जाता है, जीवो इंद्रियों का जो मुख्य रूप किसे माना जाता है, इस मानव तन से मुख्य जीव कोई भी नहीं है, इस मानव तन से बड़ा मुख्य तन कोई नहीं है, इसलिए मुख्यस्य यानी कि मानव तन में इंद्रियों के समूह में आकर प्रकट होगा, और होगा कैसा, ब्रह्मनश्य। लेकिन महाराज यहाँ भी विडम्बना, महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज तो लोहाना जाति के क्षत्रिय थे, अब भागवत गलत कहती है इसका मतलब नहीं, शास्त्र ये भी तो कहते हैं महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, ब्रह्म जानेति इति ब्रह्म, जो ब्रह्म को जानता हो वही ब्राह्मण है, महात्मा ना। लेकिन महाराज महात्मा को विरक्त को कहा जाता है, उनकी तो एक नहीं दो दो शादियां हुई थी, आप कहते होंगे ना ऐसे, कृष्ण कन्हैया लाल की, उनकी तो एक नहीं दो दो शादियां हुई तेज कुमारी जी से, फूल भाई जी से, लेकिन महाराज महात्मा, महात्मा वो महात्मा नहीं जो विरक्त होकर के सन्यासी बनकर के घूमता हो, उसको महात्मा नहीं कहा जाता, महात्मा महान आत्मा को कहा जाता है, जिसकी आत्मा महान होती है, जिसके विचार महान होते हैं, जिसके कर्म महान होते हैं, उसको महात्मा कहा जाता है। इस प्रकार महाराज अनेकों विडम्बनाएं इस शास्त्रों में रख दी गई थी, तो उन्हीं का सार निकालने के लिए, उन सब झंझटों से निकालने के लिए, उन मुश्किलों से निकाल करके जीव को सरल सुगम रास्ता दिखाने के लिए महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज इस संसार में आए, और आकर के उन्होंने बस यही मैसेज दिया, सुख शीतल करो संसार, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान, क्या देखे रे हम दुनिया, जो इनको ना करी अखंड, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया दोनों देव जगाए। इन्हीं को पूर्ण करते हुए जो आज तक परमात्मा की पहचान दुनिया को ना हो सकी थी, आज संसार में आकर के प्राणाधार सुंदर सा जी को महामंत्री स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने समझाई। विक्रम संवत 1735 के वर्ष में सारी की सारी दुनिया को मैसेज दिया, सारी की सारी दुनिया को 52 पंथ के आचार्य आए हुए थे, उन सबको आकर के बताया कि बुद्ध निष्कल के अवतार आ चुके हैं, और जिस किसी को मुक्ति चाहिए तो कृष्ण प्रणामी धर्म के शरण में जाना पड़ेगा।